एक तो जो मल्टीविटामिन है ठीक है, वो मल्टीविटामिन जो है खाने के बाद ले लिए, पानी में डाल के रखिए, जो भी पानी होगा ना तेरे पास उसमें डाल के रखिए। और जो है क्या कहते हैं, एक वो हरे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मेरा नाम ऋषभ है और मैं हनोई वियतनाम से वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सीन ये बन रहा है, एक मेरा सब्सक्राइबर जो है इंडिया से आया था वियतनाम, अभी पिछले हफ्ते आया था। तो वो वियतनाम खूब घूमा फिरा, मेरी पहचान हो गई थी उससे, मैं उससे मिल लिया था एक बार, जब तक तो उससे कुछ हुआ नहीं था। लेकिन आज सुबह उसका फ़ोन आया, सुबह मैंने अभी शाम ही आया, ठीक है, तो कि भैया मुझे तो कोविड हो गया और मैं क्या करूँ, कोविड हो गया वियतनाम में, मुझे तो कुछ पता नहीं लग रहा। और जो है कोविड के लक्षण तो आपको ही पता है, सिर में दर्द होना, बदन टूटना, बुखार होना, तो ये सब कुछ। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने मुझे वियतनाम में आने से पहले भी हमारी बात हो रही थी और यहाँ आने के बाद भी उसने मुझे कॉल किया, फिर हम मिले, ठीक है। तो ऐसी ही अगर कोई समस्या आपको होती है वियतनाम के अंदर, तो आप मुझे, अगर मैं हनोई में रहता हूँ तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जितना हो सकता है मैं आपकी मदद करूँगा। अगर आप वियतनाम में आपको कोविड हो जाता है तो आपको क्या करना है, देखिए, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको जो है वियतनाम में आके कोविड हो जाता है तो आपको ये वाली लेनी है मल्टीविटामिन, ठीक है। ये मल्टीविटामिन आपको हर शॉप पे मिल जाएगी। और अगर आप मेरे घर के आसपास रहते हैं, जैसे कि वो मेरा सब्सक्राइबर, वो मेरे घर के पास ही रहता है, उसके होटल में भी मैं गया हूँ, मिला हूँ, तो मेरे घर के पास ही है, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है उसे पहुँचाने में, ठीक है। ये होगी मल्टीविटामिन, एक ये वाले कैप्सूल है, इसका नाम है हाइफोडुंग। ये कैप्सूल इतने गजब है ना, जब मैं बीमार हुआ था ना, एक कैप्सूल लो गर्म पानी में उबाल के, गर्म पानी में डाल के, और ऊपर से जो है कपड़ा रख लो और गहरी गहरी सांस लो, जो इसका धुआं होगा ना वो आपके शरीर के अंदर जाना चाहिए, तो कोविड जो है बहुत जल्दी, बुखार जो है उतरता है। दो दवाई होगी, ये बहुत ज़रूरी है कोविड के लिए, ठीक है। तीसरा ये एक और है, ठीक है, आयरन ड्रिंक है ये, जो नमक चीनी पानी का घोल होता है वो चीज़ है ये। और एक है आपकी लास्ट में पैरासीटामोल। अगर आपको जो है रात को तेज बुखार होता है तो पैरासीटामोल लेनी है आपको, ठीक है, तो आपको जो है बुखार जो है आपका रात को उतर जाएगा। और अगर आप मेरे घर के पास ही हैं तो मैं जो है आपके लिए टैक्सी बुक करके और आपको जो है हॉस्पिटल पहुंचवा दूंगा अगर कुछ दिक्कत हुई। कौन 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 कौन, ओके, ओ डिया डिया, मेरी मकान मालिक है, देखना ही नीचे कौन बात कर रहा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, अब जब आप सब्सक्राइबर यहाँ पे है तो उसकी फैमिली तो है नहीं यहाँ पे, तो वो खाना कैसे बनाएगा, ठीक है, खाना कहीं से आ भी नहीं सकता, और ऐसे में इतनी थकान हो रही, बुखार हो रहा, तो भाई ने उसके लिए खाना भी ऑर्डर किया, ठीक है। ये मैंने इंडियन रेस्टोरेंट से भी खाना ऑर्डर किया है उसके लिए, भाई के लिए, ठीक है। ये दो रोटी हैं, दो सब्जी होगी और एक गुलाब जामुन। तो एक भारतीय होने के नाते इतनी मदद तो हम कर ही सकते हैं जो हमारे हाथ में है। तो मैं जब भी कहता हूँ कि जो भाई भी वियतनाम में आए, अभी जो है कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, सावधानियाँ बरते। आपने मेरी हर वीडियो में देखा होगा मैं मास्क लगा के रखता हूँ, ठीक है ना, बिना मास्क के जो है कुछ भी काम मत करें, जहाँ भी जाएं, किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं आप, ठीक है, रेस्टोरेंट में जाएं, वहाँ देखें साफ़ सफाई है तभी वहाँ पे बैठे। यूं ही नहीं, मैंने कई लोगों के देखी यूट्यूब वीडियो, गले मिल रहे लोगों के, हाथों से हाथ मिला रहे, भाई ऐसा क्या, कौन सी रिश्तेदारी निभा रहे तुम, आपको नहीं पता दूसरा व्यक्ति कहाँ से किससे मिल के आया या कितनी जगह पर हो गया था, ठीक है। बाहर से ना आवाज़ आ रही होगी, मैं पार्किंग में हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं जाने वाला हूँ, अभी अभी आया था मैं क्लास ख़त्म करके, तो सोचा चलो ये बता दूँ आपको। तो ये दवाइयाँ मैंने आपको बताई, वियतनाम के अंदर आते हो, हनोई के अंदर आते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, अगर कभी कोई को प्रॉब्लम होगी तो मैं हेल्प करने के लिए आपके लिए तैयार हूँ, ठीक है। कोविड से बचने के लिए मैंने आपको दवाइयाँ बता दी, दवाइयाँ ही अपने पास रखो, या तो इंडिया से साथ लेके आओ,
ठीक है, या फिर यहाँ आके ख़रीद लो पहले ही। उस भाई को लग रहा था कि कोविड हो गया ख़त्म, वो बिना मास्क लगाए बिना अपनी देखभाल करे इधर उधर घूमने लग रहा था। अब हो गया उसे कोविड, उसने टेस्ट करवाया, ठीक है, अभी जा रहा मैं उसे देने, ये सब दवाइयाँ खाना आपने देख लिया, ठीक है। तो अपना ध्यान रखो, मास्क जरूर लगा के रखो, साफ़ सफाई वाले रेस्टोरेंट में जाओ खाना खाने, यूँ ही नहीं कहीं भी बैठ के खाना खाने लग गए। और सबसे बड़ी बात, किसी के गले मत मिलो, हाथ मत मिलाओ, ठीक है ना, ज़बरदस्ती चेप मत हो कि हेलो 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 हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, इन चीज़ों से बचो भाई। अभी वियतनाम के अंदर जब आप जाओगे ना, वियतनाम की सड़कों पे घूमोगे, आपको पता लग जाएगा किसी भी वियतनामी ने ना बिना मास्क के मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है, बिना मास्क के मिलना बहुत मुश्किल है। तो आपने देख लिया होगा क्यों, हम तो बिना मास्क के घूम रहे, जो इंडियन अभी अभी आ रहे हैं टूरिस्ट बन के वियतनाम में, वे बिना मास्क के घूम रहे। लेकिन आप रिस्क मत लो, मास्क लगा के रखो, अगर कोई ज़रूरत नहीं है हाथ पैर मत मिलाओ, गले मत लगो, ठीक है, नहीं तो कुछ बीमारी होगी, कुछ हो गया तो यहाँ हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ते 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 थक जाओगे, पर जो है खर्चे पूरे नहीं होने के, यो बात याद रखियो। यो भाई तो बच गया, ठीक है ना, यो हॉस्पिटल से बच जाएगा क्योंकि दवाइयाँ मैं ये सब दे दूँगा, कल को कोई दिक्कत होगी कल को हेल्प कर दूँगा इसकी, ठीक है, मेरे घर के पास ही है। तो इसलिए अपना ध्यान रखो, हनोई वियतनाम में आओ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, जिससे कभी कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो तो कोई तो हो आपकी हेल्प करने वाला, नहीं तो अगर हॉस्पिटल के खर्चों में पड़ गया ना, भगवान कसम कह रहा, लूट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, जो यहाँ टूरिस्ट बन के आए ना, यहाँ मरीज बन के रह जाओगे, इतने बुरे हालात हैं यहाँ होटल वो हॉस्पिटल के, खर्चे इतने महंगे हैं ना कि कपड़े फट जाएंगे तुम्हारे, खर्चे बढ़ते बढ़ते। ये जो दवाइयाँ इंडिया में 50 रुपये की है ना, वे यहाँ पर 500 रुपये की हैं, जो इंडिया में डॉक्टर का खर्चा होगा ना 1000-1200 रुपये का, वो यहाँ पे 2000-2500 का है। तो चलो यही मुझे इस वीडियो में बताना था। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अब मैं जो अपने सब्सक्राइबर जो इंडिया से है उसे खाना दिया हूँ, दवाइयाँ दिया हूँ, मिलता हूँ नई वीडियो में। अपना ध्यान रखो, मास्क लगा के रखो भाई, प्लीज़ मास्क लगा के रखो। बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर। दवाइयाँ है ना, एक तो जो मल्टीविटामिन है, ठीक है, वो मल्टीविटामिन जो है खाने के बाद ले लिए, पानी में डाल के रखिए, जो भी पानी होगा ना तेरे पास उसमें डाल के रखिए। और जो है क्या कहते हैं, एक वो हरे हरी वाली गोली है, ठीक है, वो खाना खाने के बाद ना तुरंत जो है गर्म पानी करिए, बस कपड़ा डाल दिया सिर के ऊपर और उसे एक उसकी भाप लिए, गर्म गर्म पानी पी लिए, ठंडा मत होने दिए उसे। और एक और है नमक चीनी का घोल, ठीक है, वो इलेक्ट्रोल जैसा हुआ है, उसे भी जो है पी लिए अगर ज़्यादा कमजोरी आवे। और रात को अगर बुखार चढ़ गया गलती से, अगर बुखार चढ़ गया तो पैरासीटामोल ले लिए, वो भी रखिए उसमें। और अगर ज़्यादा मुसीबत हालत ख़राब हो गए तो फिर मुझे फ़ोन कर लिए, ठीक है ना, घबराइए मत और कुछ ज़्यादा धक्के मत खाइए, कभी भीड़ बने, कल को कुछ चाहिए हो गया ना बता दिए मुझे कि क्या चाहिए, बाहर मत निकलिए, रिस्क मत लिए बाहर निकल के, ठीक है ना, कभी सोचे कि चलो मैं खुद देख लूँगा, दिक्कत होगी ना, यहाँ किसी ने देख लिया पकड़ लिया तो सीधा, क्योंकि यहाँ बहुत वो है, रूल से ख़त्म हुए अभी वो नहीं हुआ, ठीक है। हाँ मुझे ना आपका नंबर ही भेज दीजिए, मैं तुझे अपना नंबर सेंड कर दे रहा, ठीक है, मुझे फ़ोन कर लिए जब भी तुझे कोई दिक्कत हो ना, या मुझे मैसेज छोड़ दिए, मैं अधिकतर ना मैसेज, मेरा फ़ोन ना उस पर रहे अधिकतर साइलेंट पर, तो तू मुझे मैसेज कर देगा ना व्हाट्सअप पर या फेसबुक पर मैसेज करेगा तो तुझे तुरंत रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और जब हाँ, और घर ही रहिए, तू घर से बाहर ना निकले जब तक तेरा कोविड ठीक ना हो, हाँ कभी रिस्क ले हुआ, कल को सुबह को तुझे अगर मैं जो है लंच बोल दूँगा उसे, ठीक है, लंच फिर आ जाएगा तेरा, कल को दोपहर में मैं आ जाऊँगा, फिर मेरी क्लास खत्म होने के बाद तुझे लंच दे जाऊँगा, ठीक है, और जो कुछ खाना पीना हो तुझे बता दिए मुझे कि मुझे वो खाना, वो देख लिक्विड वाली है क्या गोली, मतलब लिक्विड है क्या उस गोली में, नहीं, तो ये है ना, कुछ तो एक ग्रीन कलर का है, मुझे फोटो भेज दिया उसका, यार एक आपने पैरासीटामोल भेजा 500 एमजी का, हाँ हाँ हाँ, जो जब लिए जब तेरी बहुत हालत खराब हो, नहीं तो रेड कलर का आपने भेजा ना, हाँ ये रेड कलर को लंबी लंबी पन्नी वाली होगी, हाँ यो है वो इलेक्ट्रोल वाला पानी जो घर में पीवे ना हम, अच्छा
हाँ यो भी पी लिए जब तेरा मन हो, जब तुझे ज़्यादा कमजोरी लगे। एक वो मल्टी विटामिन वाला है, उसे ज़रूर लिए, उसे पानी में डाल के हर बार पिए, उसे तो 24 घंटे पिए। जब भी तुझे प्यास लगे ना, कोशिश करिए पहले वो पिए। अब तू खाना खा ले, मैं जा रहा घर, ठीक है? और जो है वो हरे पन्नी वाली गोली है ना जो, उसे खाना खाने के बाद रात को सोने से पहले उसे गर्म पानी में डाल दिए। हाँ पर हाँ चल, मुझे फोटो भेज दे, कोई दिक्कत हो तो बता दिए, ठीक है? चल ओके भाई, ध्यान रख। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो ओके ओके बाय। तो ऐसा होता है, ध्यान रखना होता है। तो भैया जब भी वियतनाम में आओ मुझसे कांटेक्ट कर लो, कोई दिक्कत हो आपको, ठीक है ना? ये तो भाई मेरे घर के पास था, 10 मिनट की दूरी पे, तो इसकी जान बच गई, नहीं तो यहाँ हॉस्पिटल के खर्चे भरते भरते तुम निकल जाओगे। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।